मोदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के साथ किया अंतर्राष्ट्रीय महागठबंधन। पहले सिद्धू के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बंद कमरे में हुई बैठक, और फिर सिद्धू समेत खालिस्तानी आतंकियों के सामने इमरान खान का ऐलान जंग। यकीन नहीं होता तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए। हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। मैं उम्मीद रखता हूं कि वहां ऐसी लीडरशिप आ जाए। देखा और सुना आपने किस प्रकार इमरान खान साफ कह रहा है कि भारत में लीडरशिप बदल जाए। मोदी सरकार को भारत से बेदखल करने की इमरान की बात पर कैसे सिद्धू तालियां बजा रहा है। हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले पाकिस्तान पहुंचते ही सिद्धू ने ये साफ कर दिया था कि राफेल डील पर उनकी, कांग्रेस की और पाकिस्तान की एक जैसी सोच है। भाई जफी दे एक सेकेंड दी सी, कोई कोई राफेल डील नहीं सी हो। वैसे भारत में मोदी सरकार को बेदखल करने के लिए पाकिस्तान की ये साजिश काफी पहले से चल रही है। पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार मुबाशिर लुकमान ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कद को देखते हुए शुरू में ही कह दिया था, मोदी को हम जितना खतरनाक समझते हैं वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, और मोदी ने अपना असली रूप अब तक दिखाया ही नहीं है। अगर मोदी 2019 में इंडिया में फिर जीत गया तो फिर हम पाकिस्तानियों के पास कोई काम नहीं बचेगा और पाकिस्तान कहीं का भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने 2 साल पहले पहली बार खुलकर अपने दर्द को बयान किया। पाकिस्तान के मुबाशिर लुकमान ने तभी खुलकर कह दिया था, 2019 में मोदी को हराने के लिए हम जो कुछ भी कर सके हमें करना चाहिए। जो लोग इंडिया में मोदी के खिलाफ खड़े हुए हैं हमें उनकी सभी किस्म की मदद करनी चाहिए ताकि हम सब मिलकर मोदी को 2019 में हरा सकें। गौरतलब है कि इसी के बाद कांग्रेस ने अपने नेता मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान की मदद मांगने के लिए भेजा था। मणिशंकर साहब, अब जो जिस जगह पे आके खड़े हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, अब इसमें से निकलने का क्या तरीका होगा? हमें ले आइए इनको हटाइए, हमें ले आइए इनको हटाइए। वैसे आप पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी तारिक पीरजादा की बात भी नहीं भूले होंगे। उसने कहा था, मोदी को रोकने के लिए इंडिया में हमें राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की मदद करनी होगी और हिंदुओं को जातियों में तोड़ देना होगा। अब आप ये तय कर लीजिए कि 2019 में पूरे विश्व में भारत का विजयी पताका फहराने वाले मोदी जी चाहिए या मुस्लिम परस्त पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने वाली कांग्रेस की सरकार।